आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करेंगे ओवरी हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस के बारे में, यानी ओवरी के ओतिकी और इसके कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में महत्वपूर्ण अंग की तरह काम करती है। महत्वपूर्ण अंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फीमेल गैमेट ओवा होता है उसका फॉर्मेशन ओवरी में होता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। शुरू करते हैं इसमें। यहाँ पर हमें एक पिक्चर में ओवरी की संरचना दिखाई दे रही है। ये एक ओवरी की संरचना है और यहाँ पर दूसरी संरचना जो ग्राफियन फॉलिकल दे आपको दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर ही स्थित होती है। और इस संरचना में जिसको ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, इसके अंदर आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ओवा है, यानी ये फीमेल गैमेट है, इसका रिफॉर्मेशन होता है। हम इसी के बारे में आज इसकी हिस्टोलॉजी और इसका फंक्शन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओवरी को जानने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होगी। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होती है? गायनेकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर ओरिजिनेट हुआ है। गायने का मतलब होता है वुमेन एंड लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, यानी वुमेन की स्टडी से संबंधित है। अगर इसको और परिभाषित करें, ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी एक ऐसी शाखा ऐसी ब्रांच चिकित्सा विज्ञान की जो कि मादा जनन तंत्र या मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित बीमारियों की पहचान और उनके इलाज में मदद करती है, उस शाखा से संबंधित को हम गायनेकोलॉजी कह रहे हैं। गायनेकोलॉजी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे टैक्सोनॉमी में जो काम करते हैं उनको कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, ऐसे ही गायनेकोलॉजी में जो काम करते हैं उनको कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखें, ऊ जेनेसिस। ऊ से हमें यह मतलब समझ में आ रहा है कि ओवा से संबंधित है, और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन होना, यानी यह बनना, प्रोडक्शन होना, निर्माण होना, इसका इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यानी ऊ जेनेसिस मतलब होता है कि ओवा का निर्माण होना, फीमेल गैमेट का निर्माण होना, द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इन ओवरीज। और ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ओवरी में होती है। जो अंडाशय होते हैं उनमें ऊ जेनेसिस की प्रक्रिया संपादित होती है, पूर्ण होती है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म जेनेसिस यानी स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में संपादित होती है, यानी टेस्टिस जो वृषण होते हैं वहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं। ओवरी को, ओवरी तो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाया ही जाता है, इसके अलावा और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स पाए जा रही है, जैसे कि ओविडक्ट है, यानी जो नलियां पाई जा रही है जो कि एक पैर में पाई जाएगी, यूट्रस है, गर्भाशय है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पाए जाते हैं। और इन सब की जो पोजीशन होती है वो है पेल्विक रीजन में, जो श्रोणी रीजन होता है फीमेल में, वहाँ पर इनकी पोजीशन होती है, यानी इसकी स्थिति वहाँ पर होती है। प्राइमरी फीमेल ऑर्गन इसके बारे में हम जान चुके हैं, जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज, दोनों ओवरीज, ओवरी सिंगुलर है और ओवरीज यानी दोनों के बारे में एक साथ। यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ इनके द्वारा, ओवरी के द्वारा स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन भी होता है, ओवरिन हार्मोन्स, जिनको ओवरिन हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये ओवरी से निकलते हैं, इसलिए इन हार्मोन्स को ओवरिन हार्मोन्स नाम दिया गया है। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पर दोनों तरफ ओवरीज की स्थिति होती है, दोनों तरफ एक एक ओवरी पाई जाती है। अभी डायग्राम देखेंगे हम लोग। कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स।
जो ओवरीज होती है वो पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ओवरी की जो लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग, और यह आलमंड शेप की होती है यानी बादाम के आकार की होती है। ओवरीज आर होमोलोगस टू टेस्टिस। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवरी को किसके होमोलोगस समजात माना जाता है, तो वो है टेस्टिस। होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस मतलब ये होता है कि जिनका ओरिजिन समान होता है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, उनको होमोलोगस अंग कहा जाता है। ओवरी और टेस्टिस दोनों एक दूसरे के समजात अंग हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उसी स्ट्रक्चर्स को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जो ओवरी है और इसके साथ में एसोसिएट ऑर्गन्स हैं उनको। यहाँ सबसे पहले डायग्राम में दोनों तरफ, दोनों साइड लोअर एब्डोमेन में दो ओवरीज पाई जाती है, एक राइट साइड में पाई जाती है और दूसरी लेफ्ट साइड में पाई जाती है। ओवरी के बाद में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, यानी ये नली के आकार की संरचना है। ओके, अब जो फैलोपियन ट्यूब है उसके भी पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन जो ट्यूब है उसके पार्ट्स में सबसे पहले फिमरी, यानी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ पर जो ओवा का जो फॉर्मेशन होता है ओवरी में वो इसमें ले लिया जाता है इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा। इनको कहते हैं फिमरी। इसके आगे वाला भाग कहलाता है इन्फंडिबुलम और नेक्स्ट इसके आगे ट्यूब लाइक थोड़ा सा फूला हुआ भाग कहलाता है एम्पुला। एम्पुला एम्पुला आगे जाके स्थमस में खुलता है। स्थमस में ही फर्टिलाइजेशन की जो निषेचन की प्रक्रिया है यहीं पर होती है, यानी जो ओवा है वो यहाँ से रिलीज होने के बाद में स्थमस में आकर यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपादित होती है। इसके बाद में आगे वाला जो भाग है वो जो आपको ये बड़ा भाग जो दिखाई दे रहा है ये है यूट्रस यानी गर्भाशय। इसमें जो बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको कहते हैं यूटेराइन कैविटी। यूट्रस की जो कुछ लेयर्स पाई जाती हैं उनको भी जान लेते हैं। यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के और अंदर की तरफ देखें तो मायोमेट्रियम पाया जाता है, और सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो आपको रेड रेड जो डार्क थोड़ा ज़्यादा रेड आपको जो दिखाई दे रहा है ये है एंडोमेट्रियम। ओके, इसके बाद में सर्विक्स रीजन है। सर्विक्स जो आगे वाला जो भाग है गर्भाशय जहाँ जाके आगे खुलता है उसको सर्विक्स रीजन कहते हैं, और आगे जो एक ट्यूब लाइक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इसको कहते हैं सर्विकल कैनाल। उसके बाद में वेजाइना और उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाए जाते हैं। ओके, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ओवरी को। अब ओवरी को क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग ओवरी पे फोकस कर रहे हैं, बाकी पार्ट्स को हम लोग ध्यान नहीं देखेंगे इतना। ओवरी में जो स्ट्रक्चर यानी कहाँ पर ये पाई जा रही है, तो ओवरी कैसे एक जगह स्थिर रहती है, एक ही जगह बनी रहती है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं। आप अगर इस डायग्राम को ठीक से देखो ये यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये एक संरचना यहाँ से जुड़ी हुई है, एक यहाँ पर सस्पेंडरी लिगामेंट जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक और लिगामेंट जुड़ा रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर और पेरिटोनियम की लेयर्स पाई जा रही है। ऐसी ये संरचना दोनों तरफ पाई जाती है। जैसे यहाँ पर इससे जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स है ये है ओवरियन लिगामेंट। ओवरियन लिगामेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना है ओवरियन लिगामेंट है, ये ओवरी है, दोनों तरफ जो ओवरी पाई जा रही है, ये ओवरी एक तरफ ओवरियन लिगामेंट से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ जुड़ी रहती है सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ी रहती है। और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इसको स्थिर रखती है, वो है मीजोमेरियम।
अब हम इसको जान लेते हैं। और मेसोवेरियम क्या है? ए डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम की डबल लेयर है, जो यहाँ पर हमें मेसोवेरियम जो दिखाई दे रही है, ये है पेरिटोनियम की डबल लेयर है। दूसरी जो स्ट्रक्चर थी ओवेरियन लिगामेंट, जो कि ओवरी को यूट्रस के साथ में, जो गर्भाशय है उसके साथ में जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी जो लिगामेंट है वो अटैच रहता है, इसको पेल्विक वॉल से जोड़ने का काम करता है, यानी जो श्रोणी में जो वाल पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, उससे ये लिगामेंट्स और एक तरफ ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, ताकि ये स्थिर अवस्था में पाई जाए ओवरी। ओके, यहाँ पर आपको यूट्रस दिखाई दे रहा है, हम मेनली फोकस कर रहे हैं ओवरी के बारे में। अब और आगे जानते हैं हम, जो हमारा जो अब हमने इसकी ये देख ली कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है ओवरी की, और ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब हम जानते हैं इसकी ओतिकी के बारे में, यानी इसकी हिस्टोलॉजी, यानी हमें क्या क्या, हमें अंदर की तरफ क्या क्या दिखाई देगा ओवरी के अंदर, उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जर्म सेल का ओरिजिन होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, जानते हैं। चलो, जर्मिन्स ये मतलब होता है बर्ड, यानी कोई भी कलिका जहाँ से निकलती है उससे ओरिजिन हुआ है ये वर्ड। यहाँ पर जो एपिथीलियम पाई जाएगी, जो उपकला ऊतक पाई जाएगी, वो सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम पाई जाएगी। और ये कहाँ पर पाई जाएगी? जो ओवरी थी उसकी सरफेस पे पाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये मानो कि ये ओवरी है, इसके बाहर की तरफ पाई जाएगी, वो इसके दो चारों तरफ ये स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ये जर्मिनल एपिथीलियम होगी, यानी ओवरी की सरफेस के ऊपर ये पाई जा रही है। ओके, सेल्स दैट प्रोड्यूस ओवा अराइज फ्रॉम योक सैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो सेल ओवा बनाती है, अंडा जो बनाती है, जो कोशिका, वो कहाँ से आती है? योक सैक से। और ये योक सैक में कब आती है? जब भ्रूण बन रहा होता है उससे समय, यानी क्या क्या होता है इनका? माइग्रेशन होता है, माइग्रेट टू ओवरीज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय योक सैक से कुछ सेल्स माइग्रेट हो जाती है और वो ओवरी में स्थापित हो जाती है, और उनके द्वारा ही आगे जाके ओवा का निर्माण होता है। तो जर्मिनल एपिथीलियम चारों तरफ सिर्फ कवरिंग ही बना रही है, इनसे किसी प्रकार का ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओवा का फॉर्मेशन जो होता है वो योक सेल में उपस्थित कोशिकाएं ही करती है, और वहाँ से ये माइग्रेशन के थ्रू ओवरी में आती है। दूसरी जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ट्यूनिका एल्बुजीनिया जो लेयर है वो वाइटिस है। एल्बुजीनिया एल्बुमिन से संबंधित हमें समझ में आ रहा है, तो ये वाइटिस कलर की होगी। ये जो होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो जर्मिनल एपिथीलियम थी उसके अंदर की तरफ पाई जाती है, लोकेटेड इनसाइड द जर्मिनल एपिथीलियम। थर्ड जो लेयर पाई जा रही है उसको कहते हैं, या हम कहें कि उसको जो हमें भाग दिखाई दे रहा है वो है ओवरियन कॉर्टेक्स। यानी ओवरी को एक्चुअली जो अंदर के जो ओवरी का जो पार्ट है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो बाहर की तरफ जो भाग पाया जा रहा है उसको नाम दिया गया है ओवेरियन कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ सेंटर की तरफ जो रीजन पाया जाएगा उसको कहेंगे ओवेरियन मेडुला। पहला जो भाग इसमें देखें ओवेरियन कॉर्टेक्स में, दिस रीजन जस्ट बिलो द ट्यूनिका एल्बुजीनिया। एल्बुजीनिया स्तर के जस्ट नीचे की तरफ ये स्तर पाया जाता है, और इस स्तर का क्या है, इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जा रही है। यानी जब अंडे का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो ओवेरियन कॉर्टेक्स में ही होती है, कॉर्टेक्स वाला जो भाग है वहीं पर ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है। ओवेरियन फॉलिकल्स आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल्स एक्चुअली ओवेरियन कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है, उस भाग में पाई जाती है जिसको हम लोग डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे अभी। ये कनेक्टिव टिश्यू
जिसमें कोलाजन फाइबर्स और स्ट्रोमल सेल्स पाई जाती है, उनके द्वारा घिरी हुई रहती है। फोर्थ जो भाग है ओवेरियन मेडुला, यानी सबसे अंदर का जो भाग है वो होता है ओवेरियन मेडुला। लूजली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें पाया जाता है ब्लड वेसल्स, रक्त की नलियाँ पाई जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स और न्यूरॉन्स की सप्लाई पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र की सप्लाई पाई जाती है। ये कुछ लेयर्स थे और ओवरी के पार्ट्स थे। अब वास्तव में हमें ओवरी कैसे दिखाई देती है, ये है, यहाँ पर हमें आराम से ओवरी दिखाई दे रही है। ओवरी दोनों तरफ एक एक पाई जा रही है, इसी को हमने हिस्टोलॉजी फॉर्म में यहाँ पर देखा है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसमें जर्मिनल एपिथीलियम, ये यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथीलियम पाई जा रही है सबसे बाहर की तरफ, ये जर्मिनल एपिथीलियम है। इसी जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर की तरफ जो एल्बुजीन या जो लेयर पाई जा रही है, इसके जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। अब हम इसको जो ओवरी है इसको हमने दो पार्ट्स में और डिवाइड किया था। जो ये वाला जो रीजन है उसको कह रहे थे हम लोग कॉर्टेक्स रीजन, जो अंदर वाला जो रीजन है उसको का नाम दिया गया है ओवेरियन मेडुला। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, ये ओवरी की हिस्टोलॉजी है। एक एक पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें इसके डेवलपमेंट की अवस्थाओं को बारे में, तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ प्राइमोर्डियल फोलिकल, जो आपकी यहाँ पर संख्या में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में देखें प्राइमरी, जो प्राइमोर्डियल फोलिकल है वो आगे डेवलप होके प्राइमरी फोलिकल्स का निर्माण करेगा, फोलिकल का निर्माण करेगा। इन्हीं प्राइमरी फोलिकल के अंदर की तरफ ओवम स्थित होता है, ओवा होता है जो बाद में जाके ग्रोथ करता है, यानी उसमें ग्रोथ होती है और आगे विभाजन भी होता है। आगे और डेवलपमेंट होगा प्राइमरी फोलिकल का और वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फोलिकल में, और सेकेंडरी फोलिकल आगे जाके ग्राफियन फोलिकल्स में, या जिसको कहें मेच्योर फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये है मेच्योर ग्राफियन फोलिकल। इसके अंदर की तरफ जो हमें इस संरचना दिखाई दे रही है वो है ओवा, जो आगे वाली प्रोसेस में तो रिलीज हो जाता है, और इसका जो बाकी बचा हुआ जो भाग है, जो रिमेनिंग जो भाग है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, और कार्पस ल्यूटियम बाद में डिग्रेड हो जाता है और डिग्रेड होके कार्पस एल्बिकेंस का नाम निर्माण करता है। यहाँ हमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जो कार्पस ल्यूटियम है, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, आपको विदित है कि फीमेल में हर मेनस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि लगभग 28 से 29 डे का होता है, उसमें जो ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 14 डेज पे होती है। उस 14 डेज पे ये जो एग है वो रिलीज होता है और यहाँ से वो चला जाता है फिम्ब्री के थ्रू आगे चला जाता है। जो 14 डेज पे अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है कॉर्पस, जो ल्यूटियम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, ये परमानेंट अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये टेम्पोररी यानी अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो बाद में जाके अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है तो यहाँ से इस पार्ट से, या हम कहें कॉर्पस एल्बिकेंस से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है। फिर से हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फोलिकल्स, उससे प्राइमोर्डियल फोलिकल, उससे प्राइमरी फोलिकल। प्राइमोर्डियल मीन्स प्रीमिटिव की टाइप की हो गई। प्राइमरी फोलिकल्स से सेकेंडरी, देन मैच्योर फोलिकल। मैच्योर फोलिकल से ओवा बाहर निकल जाता है, और दूसरी जो स्ट्रक्चर बची हुई स्ट्रक्चर है उसको नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम फिर धीरे धीरे डीजनरेट होता है, यानी नष्ट होने लग जाता है, और ये कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करता है। उसके बाद में ये नष्ट होने के बाद में वापस साइकिल चालू होता है। अब हम इसमें
जो एग रिलीज हो रहा है, मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये आगे जो स्ट्रक्चर बन रही थी ये तो फर्टिलाइज हो जाएगा। अब यहाँ से इन संरचनाओं से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसको और समझने का हम प्रयास करते हैं इसी संरचना को। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ में जो हमें ये फोलिग्राफिन फोलिकल्स और प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह की जो संरचनाएँ कई बार हमें ध्यान में नहीं रखता है, तो बेसिक कंसेप्ट ये है इसमें कि ओवा तो होता है अंदर की तरफ और उसके चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती है एक्चुअली वो यहाँ आसपास वाली सेल्स होती है जो इसके चारों तरफ अलग अलग शेप में पाई जाती है जिनको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, वो इनको फोलिकल्स रूप प्रोवाइड करवाते हैं जो कि बहुत सारी संख्या में पाई जाती है। और इन ग्राफिन फोलिकल सेल से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, यानी जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इन हार्मोन इनका सिक्रीशन इन सेल्स के द्वारा होता है, तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये सेल्स। और हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं, एक और हमारे पास पिक्चर है उसी चीज़ को हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग देखें तो हमें वही सबसे पहले जर्मिनल ले एपिथीलियम सबसे बाहर की तरफ जो दिखाई दे रही है, उसके बाद में दिखाई दे रही है ट्यूनिका एल्बुजीनिया इसके अंदर की तरफ जो वाइटिश कलर की जो आपको दिखाई रही है, सफ़ेद कलर की जो आपको चारों तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है ट्यूनिका एल्बुजीनिया। अब इसके बाद में जो ये जहाँ पर इनकी स्टेजेस का निर्माण हो रहा है ये जो भाग है चारों तरफ, क्योंकि ये गोलाकार शेप में होती है, मतलब होते होती तो बादाम के आकार की हम इसको मानते हैं लेकिन एक्चुअली तो होती राउंड शेप में होती है ओवरी, तो बीच वाला जो भाग होता है वो तो हो गया मेडुला भाग, और जो बाहर का जो भाग है ये जो भाग है ये होता है कॉर्टेक्स भाग। तो जो ये जितनी भी डेवलपिंग की अवस्था चल रही है ये किस में चल रही है, ये चल रही है कॉर्टेक्स रीजन में, यानी जो ओवरी का जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें ये प्रक्रियाएं संपादित हो रही है। आप देख पा रहे होंगे जैसे डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं जैसे इस तरह जा रही है, इस तरह आ रही है। ये प्रक्रिया एक्चुअली कहीं कोई सीरीज में घटित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी ओवरी में घूम रही होती है, ये एक ही जगह संपादित होती है। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको एक छोर से दूसरे छोर की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकी डेवलपमेंट इनका यहीं पर होता है, क्योंकि जैसे प्राइमरी फोलिकल बन रही है उसी को वही कन्वर्ट होगी, वही चीज़ सेकेंडरी फोलिकल्स में कन्वर्ट होगी और वही जाके आगे मैच्योर ग्राफियन फोलिकल में कन्वर्ट होगी। वापस समझते हैं पूरी संरचना को। सबसे पहले हमें दी हुई है प्राइमरी फोलिकल्स। प्राइमरी फोलिकल्स से पहले हमने पढ़ा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो कि बहुत सारी होगी, इसके बाद में प्राइमरी फोलिकल्स। अब आपको प्राइमरी फोलिकल्स के बाद में संरचना दिखाई दे रही है दूसरी सेकेंडरी फोलिकल। इन दोनों के बीच में और भी आपको कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ओसाइट जो दिखाया हुआ है इसका मतलब ये है आगे जाके ओवा का निर्माण यही करेगा, जो ओसाइट दिखाया हुआ है अंदर की तरफ यही जाके आगे ओवा का निर्माण करता है। इस ओवा के चारों तरफ जो आपको ये सेल्स जो चारों तरफ जो परिधि बनी हुई है ये ग्रेनुलोसा सेल्स है जो चारों तरफ इसको कवर करके रखती है। इसके बाद में सेकेंडरी फोलिकल आगे जाके ग्राफियन फोलिकल का निर्माण करता है और इसके चारों तरफ जो ऊसाइट है उसके चारों तरफ लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें अलग अलग प्रकार की लेयर पाई जाती है, जैसे जोना पेलुसिडा है, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, इसके अलावा कैविटी का भी निर्माण होता है जिसको एंट्रम कहते हैं। और इसके बाद में ये 14 डेज़ पे मेनस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज़ पे ये ओवा बाहर रिलीज हो जाता है और जो बाकी जो संरचना यहाँ टिश्यू बना हुआ था वो इस तरह आगे डीजनरेट धीरे धीरे डीजनरेट होगा। इसको कहते हैं इस स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है और ये एक अस्थायी टेम्पोररी अंतःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि ये हर साइकिल में रिपीट होती है, बनती है और फिर डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ओके,
अब हम बात करेंगे ऊ जेनेसिस की प्रक्रिया को, कहाँ कैसे संपादित होती है। देखो जो पहली जो ओरिजिन था वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से होता है, और जो ओवा जो रिलीज होता है उसकी जो अवस्था होती है वो होती है सेकेंडरी ऊसाइड के रूप में। सेकेंडरी ऊसाइड में वो मेटाफेज सेकेंड में होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन की जो मेटाफेज सेकेंड होती है उसमें वो रिलीज होता है। और ये फेज सेकेंड कब कंप्लीट होता है, जब उसमें उसके साथ में स्पर्म मिल जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब वो मेटाफेज सेकेंड या हम कहें कि मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाता है और आगे जाके जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इसको देखते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आगे जाके ऊगोनियम का निर्माण होता है, ऊगोनियम से प्राइमरी ऊसाइट, और प्राइमरी ऊसाइट प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट हो जाता है। और ये जितनी भी अवस्था है ऊपर वाली ये फीटल पीरियड में संपादित होती है, यानी जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीमेल बेबी जब फीटल कंडीशन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब रहता है, गर्भाशय में जब रहता है, तभी ये अवस्थाएं यहाँ पर संपादित होती है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद की घटनाएं ये है, यानी प्राइमरी ऊसाइट से आगे प्रोफेज जो फर्स्ट में होता है वो प्राइमरी ऊसाइट में आगे जाके सेकेंडरी ऊसाइट का निर्माण करता है, प्राइमरी ऊसाइट से एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है, और आगे जाके सेकेंडरी ऊसाइट से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होके वो एक ओवम का निर्माण करता है और वहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एंड इसके बाद में ओविलेटेड सेकेंडरी ओसाइट, यानी वो ओवा रिलीज हो चुका है। अब हम बात करें दूसरे पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी के कार्यों के बारे में। ओवरी के जो कार्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, ये तो हमें पता चल गया कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि लैंगिक जनन में फीमेल गैमेट का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो एक जायगोट बनने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा एग को प्रोटेक्ट करने में भी इसका रोल होता है। ओवरी जो होती है उसके अंदर एक बहुत सारे ऊसाइट बनते हैं, ओवा बनते हैं, तो उसके लिए एक शेल्टर की तरह काम करते हैं ओवरी, यानी उसके घर की तरह काम करती है क्योंकि उसमें बहुत सारे एग रहते हैं। इसके अलावा जो ओविलेशन की प्रक्रिया होती है, यानी ओवा जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, वो ओवरी से होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट काम ये है कि ओवरी से फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है एंड इनहिबिन, ये चार हार्मोन हैं। इनका स्त्रावण जो होता है वो ओवरी के यानी अंडाशय के द्वारा ही होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, इनमें भी प्राइमरी जो सेक्स हार्मोन है वो उसमें एस्ट्रोजन को माना जाता है। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन डोमिनेंट, जो मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें दो फेजेज आती हैं, जब ओविलेशन होता है उससे पहले की अवस्थाओं कहते हैं हम फोलिकुलर फेज, पुट की अवस्थाएं, और जो दूसरा जो फेज होता है ओविलेशन के बाद का जिसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। इन दोनों फेजेज में पहली वाली जो फेज है यानी फोलिकुलर जो फेज होती है उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट होता है, जबकि दूसरी वाली जो ल्यूटियल फेज है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा स्त्रावण होता है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का जो फॉर्मेशन होता है उससे भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कहते हैं, और आगे जाके जब ओवा बनता है तो प्रेगनेंसी को बना के रखने में रोल प्रोजेस्टेरोन का होता है। अब हम इन हार्मोन्स का काम देखते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण फीमेल हार्मोन है, तो एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के क्या क्या काम होते हैं। एस्ट्रोजन एक्चुअली तीन फॉर्म में पाया जाता है, E1, E2 एंड E3, जिसको कैटेगराइज किया हुआ है एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रियोल, इनके ये नाम है। यानी एस्ट्रोजन होता है वो तीन टाइप्स का होता है,
जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, ग्रेन्यूलोसा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। इसके अलावा कम मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से भी एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। अब इसके ये तो हो गई इसके सीक्रीशन की बात, यानी ये कहाँ से सीक्रेट होता है। अगर इसके इफ़ेक्ट देखें, इफ़ेक्ट में सबसे पहले हम यूट्रस पे देखें, यानी एस्ट्रोजन जो गर्भाशय है उसमें क्या काम करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो गर्भाशय की साइज उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम होती है उसको बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखें डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, एस्ट्रोजन के कार्यों में ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण लक्षण आते हैं फीमेल में, उनमें महत्वपूर्ण काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों का जो निर्माण होता है वो एस्ट्रोजन की सहायता से होता है, यानी इनका जो डेवलपमेंट होता है उसी के थ्रू होता है। प्यूबिक हेयर का डेवलप होना एस्ट्रोजन मदद करता है। थिन वॉइस, फीमेल की वॉइस पतली होती है उसके पीछे एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, जो त्वचा के नीचे जो फैट जमा होती है उसमें भी एस्ट्रोजन का इनडायरेक्टली रोल है, वो इसमें मदद करता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल को मेंटेन करने में, बना के रखने में एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है। इसके अलावा प्रोमोट ऑस्टियोब्लास्टिक प्रोसेसेस, पहले तो ये समझते हैं कि ऑस्टियोब्लास्टिक प्रोसेस होती क्या है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियों से संबंधित, ब्लास्टिक मीन्स उनके फॉर्मेशन से संबंधित, यानी ये बोन्स को बनाने में मदद करता है। ये थे एस्ट्रोजन के कार्य। और महत्वपूर्ण हार्मोन है रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये वही हार्मोन है जो कि ओवरी से सीक्रेट होते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, जब रिलैक्स टू पेल्विक लिगामेंट ड्यूरिंग लेबर पेन, जब बच्चा जन्म लेता है तब लेबर पेन होता है, यानी बच्चे को बाहर आना होता है उस समय पीड़ा होती है, उसको लेबर पेन कहते हैं। तो जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम रिलैक्सिन हार्मोन करता है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम स्थित होता है ओवरी में। तो ये यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा और एक और हार्मोन देखें, इनिबिन। इनिबिन क्या है, सीक्रेट होता है ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा। ये क्या करता है, इनिबिशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ FSH, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि पीयूष ग्रंथि से, अग्र पीयूष ग्रंथि से जो सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वहाँ से जो FSH हार्मोन सीक्रेट होता है उसको इनिबिट करने का काम करता है। यानी जब FSH ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा होता है तो ये उसको रोकने का काम करता है, यानी ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ताकि FSH का रेगुलेशन हो सके, नहीं तो एक्सेस मात्रा में इसका सिक्रीशन होता रहेगा। अब समझते हैं फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्यों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमने जाना कि एक स्ट्रक्चर होती है कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसके अलावा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, लेकिन प्लेसेंटा जो होता है वो अस्थायी स्ट्रक्चर होती है, वो सिर्फ बच्चा जब माता के गर्भाशय में जब रहता है तब तक ही वो स्ट्रक्चर रहती है, यानी ये प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इफ़ेक्ट ऑन यूट्रस एंडोमेट्रियम, ये क्या करता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसको बनाने में मदद करता है, उसको बनाने में ये मदद करता है। और एंडोमेट्रियम एक्चुअली इम्प्लांटेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है, जब बच्चा जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके इम्प्लांट होता है, वो एंडोमेट्रियम लेयर में होता है।
तो इम्प्लांटेशन में महत्वपूर्ण रोल हो गया एंडोमेट्रियम का, और एंडोमेट्रियम को बनाने में महत्वपूर्ण रोल है प्रोजेस्टेरोन, या एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, इसलिए ये मदद करते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है वो उसकी फैलोपियन ट्यूब की जो कोशिकाएं होती है वहाँ से म्यूकोसा के सिक्रेशन में मदद करता है, और म्यूकोसा एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में सहायता कर रहा है, जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद करता है ताकि स्पर्म और ओवा का मूवमेंट मिलन हो सके। इसके अलावा ये ब्रेस्ट पर भी इनका काम होता है, ये क्या करते हैं स्टिमुलेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल्स एंड एल्वियोलाई, मेमोरी ग्लैंड में जो पाई जाती है लोब्यूल और एल्वियोलाई उनके विकास में ये मदद करता है। ये थे ओवरी के फंक्शंस, तो आप इनको याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। धन्यवाद सभी को, थैंक्स टू ऑल।